नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आईसीसी वर्ल्ड कप का जो मैच इंडिया पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा था, वो इंडिया ने 7 विकेटों से जीत लिया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच खेला जा रहा था और अभी अभी प्रधानमंत्री साहब ने भी इस मैच की जो बधाई है वो दी है और ये कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी, जो कि उनके नाम पर ये स्टेडियम का नाम रखा गया था और उसी स्टेडियम में ये मैच जो था वो हो रहा था। सब सब जो लोग थे वो लगातार मैच को देख रहे थे और सारा दिन इस मैच में रोमांच बना रहा और लोग ये भी सोच रहे थे लगभग ये जो मैच अभी इंडिया जब बैटिंग कर रहा था ये मैच जो है लगभग 9:15 तक चलेगा, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने बाजी मार ली और कहीं ना कहीं ये मैच जो था समाप्त कर दिया। 7 विकेटों से इंडिया ने ये मैच जो है वो जीत लिया है। 22 मिनट पहली ये जो मैच है ये ख़त्म हुआ है और हम अब तक ये नज़र बनाए रखे हुए थे इसलिए क्योंकि इस मैच के बाद कौन कौन से जो मंत्री हैं इस पर कहीं ना कहीं बधाई देते थे कि प्रधानमंत्री साहब ने इस पर जो अभी इंडिया मैच जीती है उस पर कहीं ना कहीं बधाई दी है, इंडियन टीम को बधाई दी है और ये कहा है कि जिस तरह से वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था बहुत रोमांचक मैच था क्योंकि सारा दिन सड़कों पर आज आवाजाही जो थी ऐसा लग रहा था कि छुट्टी का दिन है क्योंकि सभी के सभी जो लोग थे वो मैच देख रहे थे। मैच देखने में इतने व्यस्त थे क्योंकि मौसम भी आज कहीं ना कहीं सर्द हो चुका है, मौसम एकदम से बदल चुका है और मौसम का मज़ा लेते हुए चाय की चुस्कियों के साथ लोगों ने ये पूरा जो मैच था कहीं ना कहीं अपने घरों में देखा और सभी के सभी जो लोग थे इंडिया पाकिस्तान का जो रोमांचक मैच था वो अपने घरों में देख रहे थे। चलिए, क्रिकेट है, क्रिकेट की दुनिया में हार जीत लगी रहेगी, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, पाकिस्तान टीम जो जिसका वेलकम किया गया वहाँ अहमदाबाद स्टेडियम में जब वो आए, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान टीम का भी वेलकम किया, लेकिन जब बात की जाए क्रिकेट की तो कहीं ना कहीं इन दोनों टीमों में जब मैच होता है तो एक रोमांच बना रहता है और आज जिस वक्त ये मैच जीत लिया गया है और लोग इस तरह से पटाखे जो जला रहे हैं जिस तरह से दिवाली है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और भारत ने 7 विकेटों से ये जो मैच है वो अभी जीत लिया है। बहरहाल देखते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप जो चल रहा है अब अगला मैच जो होगा किस तरह से भारत साउथ अफ्रीका या जो भी टीमों का नाम बीच में चयन किया गया है क्योंकि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, दूसरे नंबर पर था, अब ये मैच जीत के और भी आगे जो है वो बढ़ गया है। बहरहाल अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।